व्यापार बना रखा। हमने भी प्लास्टिक के पिरामिड लगवाए थे सबसे पहले, जब हम नहीं जानते थे, जबकि प्लास्टिक के पिरामिड में कोई ऊर्जा नहीं होती है। और दिल्ली जब गए थे महावास्तु का कोर्स करने, तो वहां भी उन्होंने प्लास्टिक के दो पिरामिड बोले सिर्फ, तो हमको वहां हंसी आ रही थी कि प्लास्टिक के पिरामिड को बोल रहे हैं। आपने जो समाज के लिए दे रहे हैं वर्षों से, वो कोई नहीं दे सकता, इस बात की गारंटी हम ले सकते। हम बहुत वास्तुवेदों को जानते हो, बहुत सबको देख लिया, लेकिन सब पहले अर्थ की बात करते हैं। आपने कभी अर्थ की बात नहीं की कि हमको पैसा इतना होना। हमने दिल्ली में जाकर के महावास्तु नाम सुना था, हमारा कोई विचार नहीं था जानने का, लेकिन हमें दो तीन जगह से फोर्स लगा कि नहीं तुम्हें जाना है। वहां भी टोटल व्यापार था, वहां कुछ भी अपने अब तक पन नहीं, यहाँ तो लगा ही नहीं कि हम घर में हैं कि आप ये कर रहे, ऐसा लगा हम अपने घर में सब कर रहे। वहां ऐसा लग रहा था कि हम कब भले हम फाइव स्टार होटल में, जमीन के हम कहां सबसे पहले पैर कहां रखते, जमीन पे, वो जमीन की बात ही नहीं करते। जब जमीन नहीं होगी तो मकान कहां बनाओगे। तो हिंदुस्तान में हम सबसे बोलते, 10 लोगों की जगह 100 लोग भी खड़े हों, यदि हिंदुस्तान में किसी ने डाउजिंग को सही करके बताया है तो वो है डॉक्टर राजेंद्र जैन, जिन्होंने हड्डी निकाली, कोई नहीं, हमें तो आज तक नहीं मिला। मैं तो बहुत जगह जाता हूँ, बहुत लोगों से संपर्क है और बहुत घूमता हूँ, लेकिन हमें आज तक कोई वास्तुविद नहीं मिला कि वो बता दे कि जमीन के अंदर है हड्डी है या नाखून है या बाल है या क्या है, कोई नहीं बता सकता। कोई जमीन की बात हमें आज तक किसी वास्तु से जमीन की, बोले जमीन के अंदर क्या है, कुछ नहीं, आप तो मकान बनाओ, ऐसा नहीं है। जो आपने विधि 4 दिन में बताई है, वो 4 दिन में ऐसी विधि कोई नहीं बताता। अपनी हर विद्या व्यक्ति कुछ ना कुछ छुपा के रखता, लेकिन आप हमेशा अपनी पूरी विद्या सबको देने की, चाहे आप टीवी पर चैनल पर हो चाहे यहाँ पे हो, सब कुछ देने की कोशिश करते। आप जितना ले सकते हो उतना ले लो। हमसे कई बार बोले, हम भैया कुछ, बोले नहीं हम तो रेवड़ी जैसी बांट रहे हैं, तो आप ले लो जितने भी, किताब में तो आपने सब लिख दिए, बोले ले जाओ जितना चाहिए। तो उनने भी कहा ज्ञान जितना दोगे उतना बढ़ेगा। और वहां रहे बात दिल्ली के अनुभव पे, तो वो अनुभव बहुत कटु थे, बहुत ज्यादा उसमें झूठ था, सत्य बहुत कम था। वाकई में हम लोग जो गए थे, हम सब 1.5 दिन तो ऐसा लगा कि हमें वापस चलना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं। लेकिन हमें यहाँ क्या लगा कि हमें यहाँ उठने का मन ही नहीं कर रहा, जितना और पढ़ा दो, अभी भी बैठे रहेंगे 3 घंटे और पढ़ा दो। तो जो चीज यहाँ मिली वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जितनी जगह जाने की नहीं सोच सकते, वहां से हम वापस आ गए। सभी के लिए जय जी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तनीषा गोयल है, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। मेरे भाई के कहने से ही मैंने गुरुजी की वास्तु ट्रेनिंग अटेंड की, और पहले मुझे वास्तु पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं था, और जियोपैथिक एनर्जी के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था कि वो भी कोई ऐसी एनर्जी होती है और उससे कोई इफ़ेक्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे मैंने ट्रेनिंग अटेंड की और गुरुजी ने जो जो करने के लिए कहा, जैसे वास्तु रजिस्ट्री करने के लिए कहा, तो मैंने उसी दिन ही किया। और उन्होंने जो किट दिया था, जैसे लैंप जलाने के लिए भीमसेन कपूर के साथ, और धूप भी जलाने के लिए कहा था, वैसा मैंने क्लिनिक में किया। अपने क्लिनिक में स्वास्तिक बनाया, जैसा गुरुदेव ने कहा था कि सगुण में बनाने के लिए। उस समय तक मुझे स्वर विज्ञान के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था, लेकिन हाँ उन्होंने ये कहा कि सगुण में बनाने के लिए, तो मैंने स्वास्तिक बनाया और लैंप जलाया और सरसों से ट्रीटमेंट की, और उन्होंने कुछ कुछ तिजोरी में रखने के लिए जो दिया था वो रखा। आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन अ 1 वीक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, इतना अच्छा रिजल्ट, मुझे इतना अच्छा पेशेंट फ्लो 4 साल में नहीं आया जितना वो उस 1 हफ्ते के अंदर ही ये सब करने के बाद आया। मैं तहे दिल से गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ और मैं इस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मेरी हस्बैंड की पेमेंट रुकी हुई थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके लिए मैं क्या करूँ। तो मैं गुरुदेव का कहा हर एक वीडियो देखती थी, तो मुझे एक वीडियो में ऐसा क्लू मिला कि कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में नॉर्थ में और वेस्ट में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरे नॉर्थ डायरेक्शन में मेरे घर पे प्रॉब्लम तो है, तो मैंने सोचा कि मैं उसको कुछ कर तो नहीं सकती, लेकिन मुझे स्वास्तिक पे काफ़ी बिलीव था, तो मैंने एक स्वास्तिक बनाया एक जगह पे, साफ सुथरा जगह देख के। और बिलीव नहीं करोगे, 3 दिन लगातार मैंने उसी जगह पे स्वास्तिक बनाया, और 3रे दिन ही उनको वो जो 4 महीने से पेमेंट अटकी हुई थी वो उन्हें मिल गई। थैंक यू।